बच्चों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में आधारभूत समानुपातिकता परिमेय, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, उसका प्रूफ किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम आधारभूत समानुपातिकता परिमेय या फिर थेल्स थ्योरम का विलोम करेंगे, उसका कन्वर्स करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने आधारभूत समानुपातिकता परिमेय में सीखा था कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, हम ले लेते हैं एबीसी, इसमें किसी एक भुजा के समांतर जब एक रेखा खींची जाती है जो अन्य दो भुजाओं को छेद करती है, और वो बिंदु हमने मान लिए डी ई। तो ये उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का अर्थ ये हुआ, आसान सी भाषा में समझे अगर, तो त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के, तो क्या होगा, ए डी बटे में डी बी बराबर होगा किसके, ए ई बटे में ई सी। ये हमारे पास आधारभूत समानुपातिकता परिमेय है, यानी कि अगर त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर तो ये अन्य रेखा खींची जाती है जो कि बाकी की दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब इसका जो कन्वर्स होगा, इसका जो विलोम होगा, वो क्या होगा कि यहां पे देखो, अगर समांतर है तो समान अनुपात में विभाजित करती है, और अगर समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो क्या होगी, समांतर होगी। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, जैसे थ्योरम तो क्या कहती है कि अगर समांतर है तो समान अनुपात में विभाजित करेगी, और इसका कन्वर्स क्या होगा, उल्टा शुरू हो जाएगा कि कोई रेखा डी ई कुछ इस प्रकार से है कि वो भुजा ए बी और ए सी को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ए डी बटे में डी बी ए ई बटे में ई सी के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि डी ई समांतर होगी किसके, बी सी के। तो ये कन्वर्स हो गया इसका। अब इस कन्वर्स को पहले हम एक एक्टिविटी के माध्यम से करते हैं। इसको एक एक्टिविटी से माध्यम से करने के लिए हम कोई भी एक कोण ले लेते हैं। हम इस तरह से एक कोण ले लेते हैं, हमने ले लिया एक्स ए वाई। अब देखो, हमने एक्स ए वाई क्यों लिया, इसके साथ रिलेट करेंगे बाद में हम इस चीज को अच्छे से समझने के लिए। अब इसकी इस कोण की जो एक आर्म है, जो भुजा है, जो इसकी किरण है ए एक्स, इस पे हमने कुछ पॉइंट्स लगाए बी वन बी टू बी थ्री बी फोर और यहां पे हमने बी लगा दिया। ठीक इसी प्रकार ए वाई पे यहां पे हमने सी वन सी टू सी थ्री सी फोर और सी लगा, ये पॉइंट्स हमने इस पे लगा दिए। और ये किस प्रकार है पॉइंट, कि जो ए बी वन है, ए बी वन के बराबर है बी वन बी टू के, बराबर है बी टू बी थ्री के, बराबर है बी थ्री बी फोर के, बराबर है बी फोर बी के, और इसी प्रकार ए सी वन बराबर है सी वन सी टू सी टू सी थ्री सी फोर और सी फोर सी के, तो इस प्रकार से बराबर है। जो हमने पार्ट्स बनाए हैं ये बराबर है। अब आप देखेंगे कि हम
हमने क्या किया, हमने पीसी को मिला दिया। देखो पीसी को जैसे ही मिलाते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, त्रिभुज बन जाएगी हमारी एबीसी टाइप की। हमने बिंदु बी को बिंदु सी से मिला दिया। अब आप देखेंगे कन्वर्स में हमारे पास क्या है, कन्वर्स में हमारे पास है कि अगर अनुपात समान है तो जो ये रेखा है रेखाखंड है वो समांतर होगी। अब देखो हम एक अनुपात लिख रहे हैं ए बी वन बटे में बी वन, ए बी वन बटे में बी वन बी। अब आप सोच के देखें ये अनुपात कितना होगा, ए बी वन एक हिस्सा है और बी वन से लेके बी तक एक दो तीन चार, चार हिस्से हैं क्योंकि सारे बराबर है ना, तो ये हुआ हमारा एक बटे में चार। इसी तरह से देखो आप ए सी वन, ए सी वन बटे में सी वन सी, सी वन सी ये भी कितना होगा एक बटे चार क्योंकि एक हिस्सा तो ये है। अभी देखो एक दो तीन और चार, चार ही सही है तो एक अनुपात चार। अब देखो दोनों अनुपात बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि ए बी वन और बी वन बी ये बराबर है ए सी वन और सी वन सी। अब ये जो अनुपात है आपस में बराबर है तो ये अनुपात बराबर होंगे। रिवर्स चल रहे हैं, कन्वर्स कर रहे हैं, विलोम कर रहे हैं तो ये भुजाएं समांतर होगी। अब देखो अनुपात हमने ये लिया है यहाँ पे तो इसको इससे मिला देते हैं। जब हम इसको इससे मिलाते हैं तो जब ये हमारे अनुपात बराबर आए हैं तो हम पाते हैं है कि जो ये बी वन सी वन होगी ये समांतर होगी बीसी। ये आधारभूत समानुपातिकता परिमेय का विलोम है जो कि हम एक एक्टिविटी की सहायता से कर सकते हैं। मेरे बच्चों आप देखो कि हमने अनुपात बराबर दिखाए अब की बार और देखा कि जब अनुपात बराबर है तो ये जो भुजाएं हैं जो रेखा या रेखाखंड है वो समांतर है आपस में। अब आप समांतर कैसे चेक कर सकते हैं, आप यहां पे इनको समांतर कब होंगी, दो रेखा या दो रेखाखंड आपस में समांतर कब होंगे, जब उनके कोरस्पोंडिंग पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसी रहे बराबर रहे। तो आप यहां कोई बिंदु लेके इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर ले और यहां कोई बिंदु लेके इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर ले और आप इनको माप के देखें, और भी ले सकते हैं यहां पे कोई बिंदु लेके इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर ले, आप इनको माप के देखें ये जो लंबाई है ये क्या आएगी, इन दोनों रेखा या रेखाखंड के बीच की जो दूरी है वो क्या आएगी बराबर आएगी। तो बराबर आएगी तो इसका मतलब ये क्या होगी हमारे पास समांतर होगी पैरेलल। तो प्यारे बच्चों ये एक्टिविटी है जो आधारभूत समानुपातिकता परिमेय या फिर थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स है उसको वेरीफाई करती है। इसमें आपको जरूरी नहीं है कि ए बी वन ले, ए बी वन ए बी टू भी ले सकते हैं। देखो अगर हम ए बी टू लेते हैं ए बी टू बटे में बी टू बी, ए बी टू और बी टू बी लेते हैं अगर आप, देखो ए बी टू, ए बी टू एक हिस्सा दो हिस्से दो और बी टू बी एक दो तीन हिस्से दो बटा तीन, इधर से क्या लेंगे बी टू के लिए ए सी टू और सी टू सी, ए सी टू भी दो हिस्से और सी टू सी तीन हिस्से, इसका मतलब ए बी टू बटे में बी टू बी बराबर है ए सी टू बटे में सी टू सी। अब हम इसको इससे मिला देते हैं तो जो हमारी B2 C2 है वो समांतर होगी किस
पे हमने B1, B2, B3 और B4 चार ये हो गए और एक B, हमने पांच पॉइंट लिए थे, पांच बिंदु लिए थे, इधर भी पांच इधर भी पांच, आप पांच की जगह 6 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, आपकी मर्जी, लेकिन इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये है कि एक एक्टिविटी के माध्यम से किस तरह से हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का जो कन्वर्स है, जो विलोम है, थेल्स थ्योरम का जो विलोम है, उसको किस तरह से एक एक्टिविटी के माध्यम से हम उसको चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास थेल्स थ्योरम के विलोम का प्रूफ एक एक्टिविटी के माध्यम से। आप इसको करके देखें, इसको आप ट्राई करके देखें और आपको बड़ा मजा आएगा, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है बेहतर ढंग से आप उसको समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।